तो किसी मरे हुए व्यक्ति से बात करने का सपना बहुत आम है, भले ही आपने हाल ही में किसी को खोया हो या नहीं। शोक मनाने की प्रक्रिया एक समग्र अनुभव है जो आपके जीवन के कई पहलुओं में, यहाँ तक कि आपके अवचेतन मन में भी व्यक्त होती है। ये सपने अत्यधिक भावनात्मक इमोशनल होते हैं और आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? आज हम जानेंगे कि जब आप सपने में मरे हुए व्यक्ति को बात करते हुए देखते हैं तो ये कैसा सपना माना जाता है, आइए जानते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार सपने जहां आप खोए हुए प्रियजनों से बात करते हैं, वे आपके दिमाग को दुख से निपटने का एक तरीका है। आपके सपने में दिखने वाला व्यक्ति आपके जीवन में बदलाव के रूप में कार्य कर सकता है। ये सपने आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा भेजे गए संदेश को हो सकते हैं। वही स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस सपने का यह मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रही है जिसका निधन हो गया है। सपने में किसी से दोबारा बात करने से आपको शोक प्रक्रिया से गुजरने में मदद मिल सकती है। हर कोई अलग तरीके से इमोशनल होता है। यदि आपको अक्सर ये सपने आते हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रही है तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। साथ में आप किसी कंसल्टेशन भी ले सकती है। जब आप सपने में मृतक से बात करती है या मृत परिजन से बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वे आपको बता रही हैं कि आपका जीवन बदल रहा है, आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए हैं या कुछ आपके रास्ते में आ रहा है। जीवन के बड़े निर्णयों के बारे में सोचें जो आप जल्द ही लेने वाली हैं। यह सपना एक संकेत हो सकता है कि आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कुक के साथ हमारे रिश्ते मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते, उनका तब भी हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह दोनों तरीकों से होता है और किसी मृत प्रियजन से बात करने का सपना देखने का मतलब यह हो सकता है कि उन्हें अगले जीवन में आपकी मदद की जरूरत है। मृतकों के बारे में सपने अक्सर शगुन के रूप में माने जाते, अर्थात ऐसा माना जाता है कि वे कुछ न कुछ आपको संकेत दे रही है। यह संकेत अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात करते हुए देखते हैं तो यह एक संकेत माना जा सकता है, चाहे यह अच्छा या बुरा कोई भी हो सकता है। यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप डरी हुई महसूस कर रही है तो सपना आपको सावधान करता है कि आपको आने वाले समय में अपने निर्णयों को बहुत सावधानी से लेने की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, अर्थात निर्णय लेने से पहले आप लोगों से सलाह भी ले सकते हैं। जब आप ऐसा स्वप्न देखते हैं कि जिस मृत व्यक्ति से आप बात कर रही हैं, वे आप पर गुस्सा है, क्रोधित हो रही हैं, यह सपना अफसोस की भावना को दिखाता है। साथ आपने ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आप शर्मिंदा है या आपको लगता है कि आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो यह सपना आपको दूसरों के प्रति सम्मान तथा अपना नजरिया सुधारने की ओर इशारा करता है। यदि आप अपने सपने में किसी मृत व्यक्ति से बात करते हुए देखते हैं तथा उन्होंने आपको छुआ भी है बात करते समय, तब ये बताता है कि आप आने वाले समय में महान उपलब्धियों की ओर जाने वाली हैं। अर्थात ये सपना महान उपलब्धि का प्रतीक है। मृतक के पास से आने का मतलब है कि वे आपको उपहार दे रहे हैं। आप अपने काम और करियर पर ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखें कि आपके रास्ते में कुछ अच्छा आने वाला है। सपने में किसी मृत रिश्तेदार से बात करना। दोस्तों, जब आप सपने में किसी मृत रिश्तेदार से खुद को बात करते हुए देखते हैं तो एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको उनसे एक संदेश मिल रहा है। वे जो आपसे कहते हैं उन पर ध्यान दें, यह आपकी आगामी जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। ओम जय साईं राम।